गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज सेटल डाउन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सिट इन सुखासन। Palms on your knees in Maha Mudra. Keep your spine erect. Head relaxed. Close your eyes. Let's prepare our body for Varna session. Inhale deeply 5 times. Exhale slowly 5 times. Take a deep breath in. Slowly breathe out. Breathe in, slowly breathe out. Again, take a deep breath in, slowly breathe out. You're on focus on your breathing. Last two counts, take a deep breath in. Slowly breathe out. One last time, take a deep breath in. And slowly breathe out. Keep your eyes closed, join your palms at your heart chakra. Let us chant Om 3 times. First inhale and while exhaling, chant Om. Inhale. Oh. Inhale again. Oh. Time, inhale. मलम शरीरस्य च वेदकेना योपाकरोतं प्रवनं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिं प्राणतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Keep your eyes closed and gently rub your palms. Generate heat in your palms. Place them over your eyes in a cup shape. Feel the warmness. Feel the darkness. Looking at your palms slowly and gradually. Namaste everyone. So let us start with pranayam. First we will start with bhastrika. So those who can sit in vajrasana, sit in vajrasana like this. Or you can sit in sukhasana. Knee pain wale sukhasana mein baithenge. Others can sit in vajrasana. Make a fist in front of your shoulders. Inhale up. Open your palms and while exhaling, breathe out forcefully through both nostrils and come back to your starting position.
and relax. Sit in Sukhasana, relax your legs, relax your palms on your knees, close your eyes, feel the energy in your body. This pranayama instantly energizes your body. You can feel the difference. Inhale, exhale. नेक्स्ट प्राणायाम इस कपालभाति प्राणायाम. इसमें भी आपने फोर्सफुली ब्रीथ आउट करना है दोनों नॉस्ट्रिल से. आपका जो इनहेलेशन पार्ट है आपने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्सहेलेशन. ब्रीथ आउट करना है थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल्स. जब आप ब्रीथ आउट करोगे तो आपका पेट अंदर की तरफ. बेस्ट टाइम है इस प्राणायाम को करने का क्योंकि इस टाइम आपका खाली पेट होता है और आप 100% बेनिफिट्स ले सकते हो. जिन लोगों का फैटी लीवर है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है. जिन लोगों का एब्डोमिनल फैट ज्यादा है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है. आंखें बंद कर लो एंड ब्रीद आउट फोर्सफुली थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल. पेट आपका अंदर बाहर होगा, आपने वो फील करना है. स्पीड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, जैसे भी करना है. पर आपने एक मिनट करना है इस प्राणायाम को. आफ्टर वन मिनट यू कैन स्टॉप. ब्रीथ आउट फोर्सफुली थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल. देखेंगे आपके पेट में दर्द होने लगता है. आप वन मिनट करके देखिए पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा. उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इफेक्टिव प्राणायाम है. डेली करो और डेली आपने काउंट्स बढ़ाने. अगर 30 काउंट से स्टार्ट कर रहे हो, वन मिनट करो, फिर वन मिनट करो वन वीक तक, फिर थोड़ा सा 1.5 1.3 ऐसे करके धीरे धीरे आपने इंक्रीज करना है अपने काउंट्स. नाउ इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीदिंग. ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है. अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं हेल्थ के मामले में. आप खुद ही फील करोगे. वन मिनट वन मंथ तक आप डेली प्राणायाम करो डेली, आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे. स्टार्ट विद स्ट्रेचेस. फिरा ब्रेंड के साथ स्ट्रेचेस करेंगे आज. बेड रेडी. और अगर आपके पास बेड नहीं है तो आप ऐसे कोई भी स्टोल या कोई दुपट्टा या कोई आपके पास योगा बैंड है उसका भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो आपने इसको ऊपर स्ट्रेच करना है. इनहेल एक्सेल. इनहेल हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, एक्सेल डाउन. इनहेल एक्सेल. इनहेल एक्सेल. अगर किसी को नी प्रॉब्लम ज्यादा है लेग्स को स्ट्रेट भी करके बैठ सकते हो आप. इनहेल एक्सेल. इनहेल एक्सेल. इनहेल एक्सेल. कंटिन्यू. इनहेल एक्सेल. इनहेल एक्सेल. 10 मोर काउंट्स. बैंड को बहुत ज्यादा लूज नहीं पकड़ना है, आप इतना पकड़िए जिससे आपको स्ट्रेच फील हो. इनहेल एक्सेल. इनहेल एक्सेल. इनहेल एक्सेल. इनहेल एक्सेल. 5 4
3, 2, and 1. Now full down. Inhale, exhale. Inhale, exhale. आपके arms, आपका shoulders, आपकी back muscles, पूरी body का stretch है upper body का. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. पूरा हाथ पीछे लेके जाओ. Inhale, exhale. Continue. रेखा पूरा हाथ लेके जाओ पीछे, नीचे तक नहीं जा रहा. यस, इसको लूज पकड़ लो थोड़ा, पूरा हाथ लेके जाओ ऐसे. इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. 5 मोर, 4, 3, 2, and last one. Inhale and exhale. Now we will do side bending, right and left, right and left, right and left, right. Pura bend karo, left, right, left, right, left, right, left, right, left. 5 more, left, 4 more, left, 3 more, left, 2 more, left. Last time, right and left. अभी आपने rotation करना है, right hand एक बार ऊपर होगा, फिर left. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Stretch your legs forward. Hold your bend like this. ऐसे बेंड को पकड़ना है. अभी आपने पीछे खींचना है पूरा आपकी बैक मसल्स पे और आपके आर्म्स और शोल्डर. इनहेल एक्सेल करते हुए रिलीज करो. इनहेल एल्बोज आपकी बैक साइड में, बैक को स्ट्रेट रखना है. एक्सेल. इनहेल स्क्वीज करना है बैक को. आप पीछे से देख सकते हो पूरा आपका जिनका भी बैक फैट ज्यादा उनके लिए बहुत इफेक्टिव है. इनहेल एक्सेल. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Squeeze your back, relax your back. Squeeze your back and shoulders, relax. आपको यहाँ पे upper back पे पूरा आपको pressure आ रहा होगा. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, 3, exhale, 2, exhale, last time, inhale, exhale, relax. Now this is inhale, this is exhale, forward bend them. This is inhale, this is exhale. This is inhale, this is exhale. Inhale,
exhale. Continue. 20 counts. 1. Bend. 2. Bend. 3. Bend. 4. Bend. 5. Bend. 6. Bend. 7. Bend. 8. Exhale karna hai. Jab bend kar rahe ho, exhale. 9. Exhale. 10. Exhale. 10 more. Exhale. 9 more. Exhale. 8 more. Exhale. 6 more. Exhale. 7. Exhale. 6. Exhale. 5. Exhale. 4. Exhale. 3. Exhale. 2. Exhale. Last time. Inhale. And exhale. Now hold your bend like this. Find your balance. And start lifting your legs up in boat pose. ऐसे पकड़ लेना आपने बोट को. वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर कोर. बैक को स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे हंच नहीं करना है. बैक स्ट्रेट. लुक टूवर्ड्स योर टोज. इसकी हेल्प से आप इजीली अपने लेग्स को ऊपर उठा सकते हो बेंड की हेल्प से. अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे बॉल का सपोर्ट ले लेंगे और आप अपने पैरों को ऐसे रख लीजिए. लाइक दिस बोट पोज. थोड़ा और पास में आके पाम्स को पीछे रख लेना है और ऐसे भी आप होल्ड कर होल्ड कर. 1 2 3 वेरी गुड. 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. Now hold your bend like this. Up, up, down, 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 5. Down, 4 3 2. Last time, again hold for 10 more counts. Look towards your toes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and relax. Now just cross your legs and stretch your whole body. Stretch your core. Stretch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now stand up. Let's do some ball exercise. Come closer to your ball. Ball ke paas aa jao. फर्स्ट राइट लेग से करना है तो आपने ऐसे राइट लेग को स्विंग करना है और लेफ्ट पाम को राइट टो से ऐसे कर. 20 काउंट्स राइट लेग से करेंगे, 20 काउंट्स लेफ्ट से. चलो लेट्स स्टार्ट. लेफ्ट हैंड अप एंड यूज योर राइट लेग. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 10, 9, exhale, exhale by touching the toe, exhale, 5, 6, 7, 8, 9, and relax. Change your side. This time we will use left leg and right hand.
स्विंग करना है, लेग को पूरा ऐसे आपने स्विंग करना है और पाम को टो से टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. अभी नी को बेंड करना है लाइक दिस। लेफ्ट लेग बॉल का सपोर्ट ले लो, इस बार लेफ्ट नी को ऊपर उठाना है, राइट पाम को लेफ्ट नी से टच कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Relax. बॉल को ऐसे पकड़ लो, हिप रोटेशन है। पहले आपने राइट लेग को राइट साइड लेके आना है और फिर ऐसे क्रॉस, नी को ऊपर उठाओगे लाइक दिस, राइट बिहाइंड क्रॉस बिहाइंड क्रॉस बिहाइंड क्रॉस बिहाइंड क्रॉस बिहाइंड। लिफ्ट योर नी अप एज मच एज पॉसिबल, नी को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाना है लाइक दिस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Very good exercise for your glutes, for your thighs. अब लेफ्ट लेग से करना है, लेफ्ट लेग को क्रॉस करेंगे पहले एंड फिर बिहाइंड। 1, नी को ऊपर उठाओ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. Now inhale, arch your back, try to touch your palms behind your back. Exhale, down. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale up, exhale down. 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 5 more, exhale. 4 more, exhale. 3 more, exhale. 2 more, exhale. Last time, inhale and exhale. Now start twisting. Right,
लेफ्ट, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके खड़े होना है, बहुत क्लोज नहीं खड़े होना है, तभी आपको ट्विस्ट फील होगा. राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट. फोर मोर काउंट्स. राइट लेफ्ट, थ्री मोर. राइट लेफ्ट, टू मोर. राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम. राइट एंड लेफ्ट. रिलैक्स. बॉल को ऐसे पकड़ लो, सिर्फ आपने पैर को ऊपर उठाना. पहले राइट लेग लाइक दिस. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. नाउ विद लेफ्ट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. पीछे पीछे, पैर पीछे, आगे नहीं पीछे. सेवन ऐसे. एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन. गुड जॉब. नाउ साइडवेज लाइक दिस. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन. नाउ लेफ्ट लेग. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स कंटिन्यू फाइव फोर थ्री टू एंड वन. रिलैक्स. नाउ टेक सपोर्ट ऑफ द बॉल. लिफ्ट योर नी अप वन बाय वन लाइक दिस. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. चेंज. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन. गुड जॉब. अभी लेट की एक्सरसाइज है, बॉल के साथ ही है. बॉल के साथ आ जाइए. आप
आपने ऐसे लेट जाना है, लेग्स आपके अप, हाथों को पीछे खींचोगे। अभी आपने अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, अपने पाम्स को अपने टोज से टच करने की कोशिश करनी है, लाइक दिस, वन टू, जितना ऊपर आ सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स कंटिन्यू फाइव फोर थ्री टू एंड वन। नाउ लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। रिलैक्स। नाउ बेंड योर नीज लाइक दिस, हग योर नीज एंड अगेन स्ट्रेटन, हग एंड स्ट्रेटन, हग योर नीज स्ट्रेटन योर नीज, हग योर नीज स्ट्रेटन योर नीज, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, हैंड्स बिहाइंड योर नेक, इनहेल डाउन। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं आपने लेग्स को ओपन करना है। पहले आप अपनी बॉडी को बिल्कुल वॉल के साथ टच करेंगे, एक्सहेल करते हुए आपने अपने लेग्स को ओपन करना है और अपनी पाम्स को आपने वॉल के वॉल पे टच करने की कोशिश करनी है, लाइक दिस। इनहेल एक्सहेल, 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 कंटिन्यू टेन मोर, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। रिलैक्स। जॉइन योर फीट टुगेदर। अपने नीज को ओपन करना है, पैलेट मसल्स को ओपन करना है, तो नीज को आप प्रेस करिए लाइक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। नाउ प्रेस योर नीज एंड होल्ड। पूरी पेल्विक मसल्स को ओपन करना है, हिप्स एंड थाई मसल्स को ओपन करना है, होल्ड करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। पाम्स डाउन। नाउ जस्ट लिफ्ट योर लेग अप एंड अगेन डाउन, अप, स्ट्रेटन योर नीज, सॉरी स्ट्रेटन योर लेग्स, एक्सहेल, अगेन जॉइन योर फीट टुगेदर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
7 8 9 10 10 9 8 7 देखने में बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन आप अगर 50-60 काउंट्स करते हैं, फिर देखना आपके हिप्स और थाई पे कितना प्रेशर आएगा। लास्ट 3 लास्ट 2 एंड लास्ट 1 फीट टुगेदर अगेन। नाउ इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक, व्हाइल एक्सहेलिंग कम एंड टच योर पाम्स टू द बॉडी लाइक दिस। 1 2 3 4 अभी आपका कोर वर्कआउट है, उससे पहले हिप्स एंड थाइस था, अभी कोर। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 Now join your knees, open your knees. Join your knees, open your knees. 3 open, 2 open, last time open. Now bend your knees like this, palms down on the floor. अभी आपने hips को ऊपर उठाना है, ऐसे inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up. 10 more counts. 10 9 hips up as much as possible. 8 7 6 बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स और आपकी कोर के लिए। 5 4 3 2 लास्ट टाइम हिप्स अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 heads down, have your knees close to your chest and relax. मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे तो glutes और hips में pain होते हैं, thighs में pain होना शुरू हो गया है। आपका मुझे नहीं पता, अगर आप properly कर रहे हैं तो I'm sure कि आपको भी pain हो रहा होगा। Stay there. अभी बिल्कुल wall से अपनी body लगानी है आपने। लेग्स आपके 90 डिग्री में होंगे। 10 मिनट्स तक रेस्ट करिए, लेग्स ऑन द वॉल। वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर रिलीज योर लेग पेन, फॉर योर स्ट्रेस। आप रात को सोने से पहले 1 मिनट अपने बेड पर लेटकर इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो, आपको नींद भी अच्छी आएगी। आपके जिन लोगों के पैरों में दर्द रहता है काम करने की वजह से या जिसकी रीजन से, आपका पूरा ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो अपने हिसाब से करेंगे, ज़्यादा देर नहीं आपने ऐसे रहना है जिनको हाई बीपी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो आपने वही एक्सरसाइज करनी है जो आपकी बॉडी के लिए ठीक है। अभी आपने हाथों को पीछे खींच लीजिए, एक एक पैर करके ऐसे उठाना है और क्लैप करो। अपर बॉडी आपकी डाउन रहेगी, सिर्फ आपने लेग्स और हाथों का मूवमेंट लाइक दिस। 1 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. अभी जो अपर बॉडी को भी ऊपर उठा सकते हैं, अपर बॉडी की टेन काउंट्स होगी लाइक दिस. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. अभी आपने क्या करना है, वॉक करना है ऊपर की तरफ लाइक दिस. रिवर्स प्लैंक पोजीशन में आ जाओ और जस्ट होल्ड करो. तो उसको आपने पुश करना है दीवार की तरफ, दीवार पर टच करने की कोशिश करनी है. तो उसको हिप्स को ऊपर उठाना है और इस पोजीशन में 20 काउंट्स होल्ड करनी है. वन टू थ्री फोर फाइव हिप्स अप सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री. अभी उसी पोजीशन में रहना है, एक एक करके पैर उठाइए राइट एंड लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट. फोर मोर काउंट्स राइट एंड लेफ्ट. थ्री मोर राइट एंड लेफ्ट. टू मोर राइट एंड लेफ्ट. लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट. धीरे धीरे हिप्स डाउन एंड रिलैक्स. Bend your knees, hug your knees, close to your chest. Relax for a while. Still. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Relax. अभी आपने पैर आपके सर आपका वॉल की तरफ होगा, आपने ऐसे लेट जाना, करना कुछ नहीं है, आपने अपने पैरों को पीछे लेके जाना है, वॉल से टच करना है लाइक दिस. ये जैसे हम हलासन करते हैं, आप अपने पैरों को वॉल से टच करेंगे लाइक दिस. वन टू थ्री फोर फाइव कंटिन्यू सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन कंटिन्यू सिक्स Five, four, three, two, and one. Up, up and down. Full up and up. Full up and down. 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 Up. And down. Continue. Continue, continue. Ten more. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Very good. Two. And one. Relax. Have your knees close to your chest. Relax for a moment.
अभी खड़े हो जाइए, हमसे वृक्षासन करेंगे, एक आसन करना है फिर रिलैक्स करना है। स्टैंड अप एवरीवन, ट्री पोज, वृक्षासन बैलेंसिंग पोज है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। बैलेंसिंग पोज है, बैलेंस करना है बॉडी को, अगर आप ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते तो वॉल का सपोर्ट ले लें। सबसे पहले राइट फुट को ऊपर उठाना है, कीप योर राइट फुट इनर थाई ऑफ योर लेफ्ट लाइक दिस, आपकी हील ऊपर की तरफ है, टो डाउन, नी आपका पॉइंटिंग टू द राइट साइड, इस पोजीशन में आना है, जॉइन योर पाम्स, फाइंड योर बैलेंस फर्स्ट। नाउ इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर खींचना है, नाउ कॉन्सेंट्रेट एट वन पॉइंट, गेज एट वन पॉइंट टू होल्ड हिम, वृक्षासन, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, 1 मिनट होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9, हाथों को ऊपर खींचो, 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, first palms down and relax your right leg. Excellent everyone. Easy नहीं है 1 मिनट तक होल्ड करना, लेकिन आप लोगों ने किया। Now we will do with left leg. Lift your left foot up. Keep your left foot on your right thigh. Like this. Knee pointing out. Join your palms up. Concentrate at one point and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 30 counts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, hands down and slowly legs down. Excellent. Now just hold your elbows and just bend your body like this, move side to side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, lie down on your mat or lie down on your bed. Let's do Dhanurasana, full body stretch, lie down. First 10 count, just bend your knees and straighten your knees, bend and straighten, 1 2 3. हमारे बैच में कोई बोल रहा था किसी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, तो अगर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, धनुरासन बहुत इफेक्टिव है फैटी लिवर के लिए, धनुरासन और भुजंगासन,
और अगर आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, रोज प्रैक्टिस करो भुजंग आसन एंड धनुरासन और बोट पोज भी, 3, 4, 5, 6। वैसे तो ओवरऑल योगा ही बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं आसन करने के। 7, 8, 9, 10। नाउ ग्रैब योर एंकल्स वन बाय वन, grab your left with left hand, grab your right ankle with your right, hold कर लो। अभी inhale करते हुए आपने पूरी body को ऊपर उठाना है, आपका पूरा weight आपके पेट के ऊपर आएगा। inhale up, hold, knees up, chest up, hold for 20 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Now turn to the right side and lie down on your back. अर्ध पवन मुक्तासन एंड पवन मुक्तासन, दो आसन करेंगे। दोनों आसन आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। जो लोग अपर बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं अपर बॉडी ऊपर उठाएंगे, जो नहीं उठा सकते तो अपर बॉडी उनकी नीचे रहे। ऐसे करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now head down and up like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों नीज को चेस्ट के पास लाना है और अगर आपका फोरहेड टच होता है नीज को तो टच करना है। 1, 2, 3, एक्सहेल करना है जब नीज आपके चेस्ट के पास आ रहे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Hold. Upper body up. Hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Last asan. Happy baby pose. Lift your legs up, grab your toes, bend your knees, bend your elbows, Anandalasana. Very good asana for your pelvic muscles, gynae related, all the problems can solve with this asanas. Aapki urine leakage problem hai, aapko urine infection hota rehta hai continuation mein, और आपको कोई गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपका सिस्ट है या और कोई प्रॉब्लम है, सबके लिए बहुत इफेक्टिव है बद्धकोणासन, मलासन, हैप्पी बेबी पोज, ये सारे आसन हैं, बहुत ही इफेक्टिव आसन है आपकी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस जिसको भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rock side to side like a happy baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10.
Now you can relax in Shavasana. Relax.